हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर्स लेक्चर्स नंबर 14 ऑफ सॉलिड स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम जानेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में, फिर उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है। हम लोगों ने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में, जिसमें पॉइंट डिफेक्ट्स था और पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर हम लोग तीन टाइप्स देख रहे थे, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, जिसमें हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो गया था, ये दोनों बाकी है। तो आज के सेशन में ये दोनों डिफेक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है, ठीक, उसके बाद उसके डिफेक्ट्स के बारे में जान लेंगे। तो देखिए, जो द कंपाउंड्स इन विच द रेशियो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिफर्स फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो इस इतना झंझट का देखे तो मतलब क्या है, तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अगर देखें तो वहां पर हम लोगों ने स्टोकियोमेट्रिक में क्या देखा था कि वैसा कंपाउंड जिसमें उसका जो भी, अगर उसका क्रिस्टल लेंगे तो क्रिस्टल के अंदर जो भी पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होंगे उसका जो रेशियो होगा सेम टू सेम होगा केमिकल फार्मूला का। मान के चलते उसका कुछ केमिकल फार्मूला है, तो केमिकल फार्मूला के अंदर उसका जो भी रेशियो था सेम, वो रेशियो कहां पर हमें देखने को मिला था कि उसके क्रिस्टल के अंदर, ठीक। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या देखने को मिलेगा कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक के अंदर फॉर्मूला के अंदर जो उसका केमिकल फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला के अंदर उसका जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा किससे, तो क्रिस्टल के अंदर जो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस का जो रेशियो होगा। तो देखिए, एक नॉर्मली अगर देखें केमिकल फॉर्मूला, अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखें FeO का, तो FeO एक ऐसा यहां पर ऑक्साइड है, फेरस का ऑक्साइड। तो यहां पर देखिए, यहां पर होता क्या है कि नॉर्मली केमिकल फॉर्मूला में 1:1 का रेशियो है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो रियल में क्या होता है, तो यहां पर जो Fe होता है 0.94 के बीच में लाइज करता है, यहां से लेकर 0.98 समथिंग यहां तक लाइज करेगा, ठीक। तो यहां पर एग्जैक्ट उसका 1 वैल्यू ना होकर क्या होता है 0.94 टू 0.98 के बीच में होता है, ठीक। तो ये यहां पर रियल अगर केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो क्या है 1:1 का रेशियो है, लेकिन यहां पर अगर क्रिस्टल के अंदर देखा जाए तो क्रिस्टल के अंदर ये 1:1 का रेशियो नहीं मिला है। तो वो सभी कंपाउंड जिसमें केमिकल फॉर्मूला में रेशियो कुछ और हो और क्रिस्टल के अंदर उनके पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस के नंबर का रेशियो कुछ और हो, तो वहां पर वैसे कंपाउंड को बोला जाता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक। इसी तरह फेरस ऑक्साइड है, या देखे तो V2O5 ये सब, वेनेडियम ऑक्साइड, तो इसके अंदर भी बहुत सारा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला अलग रहेगा, लेकिन इसका क्रिस्टल के अंदर देखा जाए तो कुछ अलग मिलेगा। तो आप यहाँ पर समझ गए कि केमिकल फॉर्मूला में फॉर्मूला का रेशियो कुछ अलग रहेगा और क्रिस्टल के अंदर रेशियो अलग रहेगा, तो वैसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। ये तो क्लियर है हमारा। अब देखते हैं, तो जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड उसमें जो भी डिफेक्ट्स उत्पन्न होंगे, जो भी डिफेक्ट्स उसमें एराइज होगा, वही डिफेक्ट्स क्या कहलाएगा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक। तो यहां पर ऐसे तो शॉर्ट इसका डिफिनेशन हो गया कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट्स एराइज होंगे उसी को क्या हम लोग बोलेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। लेकिन इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, यानी कि जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है उसके टाइप्स कौन कौन है। तो देखिए, इसका जो टाइप्स है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर पॉजिटिव आयंस आर इन एक्सेस और निगेटिव आयंस आर इन एक्सेस। यहां पर देखिए, यहां पर इसका टाइप्स किस पर डिपेंड कर रहा है, तो यहां पर इसका टाइप्स डिपेंड कर रहा है पॉजिटिव आयंस का अधिकता पर या निगेटिव आयंस का अधिकता पर। यानी कि नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कब उत्पन्न होंगे, जब इस नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर जब पॉजिटिव आयंस का एक्सेस हो जाए, यानी कि पॉजिटिव आयंस का संख्या ज्यादा हो जाए या निगेटिव आयंस का संख्या ज्यादा हो जाए, तो उस समय हमें
यहाँ पर डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस के संख्या के आधार पर यहाँ पर उस पर निर्भर करते हुए दो प्रकार का है, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, ठीक, और सेकेंड है मेटल डिफियंसी डिफेक्ट्स। फर्स्ट मेटल एक्सेस, सेकेंड मेटल डिफियंसी। बारी बारी से सबके बारे में हम लोग देखते हैं कि मेटल एक्सेस और मेटल डिफियंसी है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक। तो देखिए इसमें होता क्या, इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में द पॉजिटिव आयंस आर इन एक्सेस। यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो जो पॉजिटिव आयन रहेगा उसका जो नंबर रहेगा या मात्रा रहेगा वो क्या रहेगा, उसका क्रिस्टल के अंदर उसका एक्सेस रहेगा यानी कि अधिकता रहेगा। पॉजिटिव आयंस क्या रहेंगे, निगेटिव आयंस की तुलना में ये अधिक रहेगा, ठीक। देज में एराइज ड्यू टू द फॉलोइंग टू वेज, ये दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पहला है एनायोनिक वैकेंसीज, ठीक, यहां पर जो एनायन के कारण जो वैकेंसी उत्पन्न होगा उसके कारण, एक सेकेंड भी है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, तो बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक। तो यहां पर एनायोनिक वैकेंसीज के कारण यानी कि एनायन का रिक्ति होने के कारण यहां पर एक देखने को मिलेगा। तो इस देखिए इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, निगेटिव आयंस मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। यहां पर इसमें क्या होगा, तो जब यहां पर क्या रहेगा, निगेटिव आयंस अपने लैटिस साइट से जब मिसिंग हो जाएगा तो वहां पर एक होल छोड़कर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लिविंग होल्स, ठीक, वहां पर एक छिद्र हो जाएगा, एक होल बन जाएगा, ठीक, और उसमें इन विच द इलेक्ट्रॉन बिकम ट्रैप्ड, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। और किस लिए फंसते हैं, तो जिस इसके कारण क्या होता है कि जो भी क्रिस्टल होता है उसका न्यूट्रलिटी बना हुआ रहता है, यानी कि उसका उदासीनता क्या होता है, वो बना रहता है, बरकरार रहता है, ना वो प्लस चार्ज में बदलेगा ना ही नेगेटिव चार्ज में बदलेगा, वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा पूरी तरह से। किसके कारण, उस होल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा तब, ठीक। तो यहां पर हम लोगों ने मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स का पहला कारण हम लोगों ने जाना आयनिक वैकेंसीज के कारण, जिसमें क्या हो रहा है, तो यहां पर निगेटिव आयंस को ही हम लोग एनायन बोलते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान होगा। तो एनायंस के मिसिंग होने के कारण या निगेटिव आयंस के मिसिंग होने के कारण क्या हुआ है कि लैटिस के अंदर यहां पर होल फॉर्मेशन हुआ है, और उस होल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो गया है, और इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रैप्ड हो गया है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए, ठीक। तो इस प्रकार एक वैकेंसी बना एनायंस के मिसिंग के कारण, और इसके कारण भी क्या हुआ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर चले तो देखें, मान के चलते यहां पर इस तरह से, और यहां पर हम छोटा बना लेते हैं, यहां पर हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए यहां पर इसमें है पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव ले लेते हैं, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, 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 और ये पॉजिटिव, ठीक। इस तरह से हम एक यहां पर क्रिस्टल कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने का मैंने कोशिश किया। यहां पर इसको हाइपोथेटिकल लाइन से सभी इन आयंस को हम जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक। अब देखिए यहां पर ये मान के चलते हैं कोई स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड का क्रिस्टल है, ठीक। इसमें होगा क्या, यहां पर जब भी यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा, तो यहां पर जो भी यहां पर एनायंस है, ठीक, तो एनायंस अपने स्थान से क्या होगा, गायब हो जाएगा। एनायंस अपने स्थान से क्या हो जाएगा, तो एनायंस अपने स्थान से गायब हो जाएंगे। तो गायब होने के कारण क्या होगा, तो यहां पर एक होल का फॉर्मेशन होगा, यहां पर क्या हुआ, बी माइनस यानी कि एनायंस जो हम लेके चले थे वो यहां पर अपने स्थान से मिसिंग हो गया है। मिसिंग होने के कारण क्या है कि यहां पर हमें होल देखने को मिलेगा, और इस होल में अब क्या होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो जाएगा, ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने के कारण क्या होगा, इस फिर से जो पूरा क्रिस्टल है इसका न्यूट्रलिटी
मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, फिर से पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ कि जो मेटल का, यहां पर मेटल का केटायंस था, तो यहां पर जो पॉजिटिव आयन बोले तो केटायंस उसका क्या हुआ, एक्सेस हुआ है और पॉजिटिव आयंस बढ़ गई है, तो और निगेटिव आयंस यहां पर जो पहले बी माइनस था यहां पर, तो उसका संख्या क्या हुआ, वो घट गया है और पॉजिटिव आयंस बढ़ गया है। तो पॉजिटिव आयंस जब भी बढ़ेगा या एनायंस अपने स्थान से जब भी मिसिंग हो जाएंगे, तो उस समय हमें कौन सा डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। इसका एक कारण तो हम लोग देख ले एनायोनिक वैकेंसीज, एनायोनिक वैकेंसीज में हमें क्या देखने को मिला है, तो यहां से जो एनायंस होंगे या निगेटिव आयंस होंगे अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो जाएंगे, ठीक, ये तो देख लिए हम लोग। देखिए इसके अलावा यहां पर इससे एक जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफ सेंटर, ठीक, एफ सेंटर से ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर एफ सेंटर है क्या, द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसीज आर कॉल्ड एफ सेंटर। जो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है कि यहां से जो निगेटिव आयन था मिसिंग हुआ है, और मिसिंग होने पर इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो गया है। तो जब भी उस होल में जिस जहां से निगेटिव आयन मिसिंग हुआ है, तो उस होल में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, एफ सेंटर्स बोला जाता है। यहां पर एफ जो शब्द लिया गया है वो एक जर्मन शब्द से लिया गया है जिसका पूरा नाम है फार्वेजेंटर, ठीक, फार्वेजेंटर, जिसका अर्थ होता है कलर सेंटर, कलर सेंटर, ठीक, इसका मतलब होता है इसमें जो इस नाम एफ है, और इसलिए इसको एफ सेंटर बोला जाता है ताकि बिकॉज दे इम्पार्ट कलर टू क्रिस्टल, यानी को जो क्रिस्टल होता है उसको एक रंग प्रदान करता है। जब भी इस एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि जो भी यहां पर एनायन का वैकेंसी उत्पन्न हुआ है, उस एनायन के वैकेंसीज के कारण उसमें जो होल है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ यानी कि एफ सेंटर में गया, एफ सेंटर में गया, तो जब भी एफ सेंटर में जाएगा तो क्रिस्टल को एक कलर मिलता है, ठीक, वहां पर उसको क्या मिलेगा, एक अलग कलर मिल जाएगा। तो वहां पर जब भी यहां पर होल में इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, एफ सेंटर, और जब भी एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्रिस्टल को अपना एक अलग से रंग मिल जाता है, कलर मिल जाता है। जैसे यहां पर देखिए, एक्सेस ऑफ सोडियम एटम्स, तो सोडियम एटम्स का जब इस क्रिस्टल के ऊपर एक्सेस होगा तो सोडियम एटम यहां पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन आकर क्या होगा, इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा इस होल में, और उसके बाद क्या होगा, जो NaCl है उसका क्रिस्टल का रंग कैसा दिखने लगेगा, येलो हो जाएगा, ठीक। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सोडियम है NaCl, NaCl में नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स जब देखने को मिलेगा तो उस समय इसके क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाएगा, तो येलो हो जाएगा, ठीक। अगर इसी तरह देखा जाए कि एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन KCl, जब KCl में पोटेशियम का जब मात्रा अधिक हो जाए तब उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो वायलेट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर लिथियम क्लोराइड में यानी कि LiCl में लिथियम का ये मात्रा ज्यादा हो जाए तब क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा, तो पिंक हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें होता क्या है, अगर हम लोग देखें तो मान के चलते ये है क्रिस्टल, ठीक, ये यहाँ पर तो हम बनाए एक क्रिस्टल है, ठीक। अगर मान के चलते सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसको हम लोग क्या मान के चलना है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक, यहाँ पर सोडियम, फिर यहां पर हम क्लोरीन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे सोडियम, फिर यहाँ पे क्लोरीन। आप समझने का एकदम आसान से आसान शब्दों में यहाँ पर हम समझाने का कोशिश करें, आप लोग समझिए। देखिए यहां पर इसको अच्छी तरह से बारीकी से समझा देते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है, तो आप लोग बस ध्यान पूर्वक यहां पर देखते जाइए यहां पर होता क्या है। तो पहले हम यहां पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं कंपाउंड का, जिसमें क्या है NaCl कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ठीक, इस तरह से हमने बना लिया। अब देखिए इसके बाद इसमें करना क्या है, ये तो हमने कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लिया, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जिसमें सोडियम और क्लोरीन जो आयंस है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहां पर, ठीक। तो अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, तो यहां पर देखिए जब सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है इसको सोडियम मेटल के वेपर में यहां पर इसको हीट किया जाएगा, कब, इसको एक बर्तन में रखेंगे, उस बर्तन में क्या रहेगा, सोडियम मेटल का वेपर रहेगा, ठीक, सोडियम मेटल का क्या रहेगा, वेपर,
यानी कि सोडियम मेटल के भाप के साथ जब इस सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे यानी कि गर्म करेंगे, तो उस समय होता क्या है कि जो सोडियम एटम रहेगा उसका आयोनाइजेशन होता है, ठीक, यानी कि आयन के रूप में बदलता है। और जैसे ही सोडियम मेटल का जो भी एटम का आयोनाइजेशन हो जाएगा यानी कि आयन में बदल जाएगा, तो जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है उसके ऊपर डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर क्या होगा, उस पर विसरित हो जाएगा। मान के चलते सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक, इसको हमने क्या किया, सोडियम एटम के वेपर के साथ हिट किया, तो यहां पर देखने को क्या मिलेगा, तो चारों तरफ सोडियम मेटल का यहां पर वेपर रहेगा और उस वेपर में हमें क्या रहेगा, तो उसमें रहेगा सोडियम एटम, ठीक। तो सोडियम एटम क्या होगा, जैसे जैसे हीट होगा तो एनर्जी मिलने पर उसका आयोनाइजेशन होगा यानी कि वो आयन में बदल जाएगा, और आयन में बदलने पर क्या होगा, जो सोडियम आयन है इस क्रिस्टल के सतह पर डिफ्यूज हो जाएगा यानी कि विसरित हो जाएगा, ठीक। अब विसरित होने के बाद क्या होगा, तो यहां पर इस क्रिस्टल के अंदर जो भी क्लोराइड है, एक क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस क्रिस्टल के अंदर से निकलकर इसके क्या बोलते हैं, जहां ये जो इसका सरफेस है उसके ऊपर जो डिफ्यूज हुआ हुआ, जो नया नया डिफ्यूज हुआ है अभी सोडियम सोडियम का आयन, उससे जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि इसको गर्म किए सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इसके ऊपर यानी कि इसके सरफेस के ऊपर सोडियम आयंस डिफ्यूज होने लगेंगे, क्या होगा, सोडियम आयंस डिफ्यूज हो जाएंगे। और सोडियम आयंस डिफ्यूज हुए हैं तो सोडियम आयंस डिफ्यूज हुए तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां पर लूज किया होगा तभी आयंस में बदला, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इस क्रिस्टल के अंदर भेज देता है, और जो क्रिस्टल के अंदर जो क्लोराइड आयंस है उस क्लोराइड आयंस को क्या करेगा, ये अपने अंदर ले लेगा। तो यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर हमें देखने को मिलेगा, मान के चलते हैं जो सोडियम क्लोराइड है तो यहां से ये सोडियम क्लोराइड क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक, सोडियम क्लोराइड यहां पर बाहर आ जाएगा और इससे जुड़ जाएगा, और यहां पर जो सोडियम है, यहां पर जो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा और इस होल में ट्रैप हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर यहां पर एनायोनिक वैकेंसीज या एफ सेंटर कैसे होता है। तो इसको क्या किए, सोडियम क्लोराइड को सोडियम एटम के वेपर में गर्म किए, तो सोडियम एटम क्या था, इसके सरफेस पर डिफ्यूज हुआ, विसरित हुआ, और जैसे विसरित हुआ तो आयोनाइजेशन हो गया यानी कि इसका एक क्या आयन में बदल गया, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया है, और इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो आयन के रूप में बदल गया, और ये सोडियम आयन क्या करेगा, क्रिस्टल के अंदर के क्लोरीन आयंस को अपने पास खींच लेगा, और पास खींच लेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, एक होल फॉर्म होगा, ठीक, और उस होल में क्या होगा, तो इस सोडियम आयंस द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन लूज किया गया वो इलेक्ट्रॉन आकर इस होल में ट्रैप हो जाएगा, ठीक। तो अब आप लोग ये भी जान गए कि यहां से होल कैसे, यहां पर होल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन आकर कैसे ट्रैप हुआ, ये सभी बात आप लोग जान गए, ठीक। और होल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रैप होना ही क्या कहलाता है, एफ सेंटर, और एफ सेंटर में जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्रिस्टल को अपना एक रंग देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग यहां पर तीन एग्जांपल देखने को मिले। तो जितना ज्यादा मात्रा में यहां पर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर सोडियम आयंस डिफ्यूज होंगे तो उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है वो बाहर निकल जाएंगे, यानी कि निगेटिव आयंस बाहर निकलते जाएंगे अपने स्थान से निकलते जाएंगे, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होल का फॉर्मेशन होगा, और इस होल में क्या होगा, इस सोडियम आयन द्वारा लूज किया गया जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें ट्रैप होते जाएगा, ठीक। और इस तरह से जितना ज्यादा मात्रा में इस पर सोडियम आयन डिफ्यूज होंगे उतना मात्रा में क्लोरीन आयन निकलेगा और उतना मात्रा में ही अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा, और इस तरह से यहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा उतना ही ज्यादा इसका कलर में चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो यहां पर तो हम लोग समझ गए कि एनायनिक वैकेंसी होता क्या, एफ सेंटर में काम क्या होता है। अब देखिए इसमें ये कलर में चेंजिंग हो रहा है क्यों, तो कलर में चेंजिंग होने के लिए आपको एक थोड़ा सा हम बात बता दे रहे हैं, आप लोग क्लास 11th में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उसमें जो थ्योरी है सेम यही पर वो भी थ्योरी है। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इस पर जैसे ही लाइट पड़ेगा तो लाइट पड़ने पर क्या करेगा, उसके एनर्जी के अब्सॉर्ब करेगा और क्या बोलते हैं यहां पर ये जो उत्तेजित अवस्था में हो जाएगा, ठीक, और उत्तेजित अवस्था में एक्साइटमेंट स्टेट में आ जाएगा, ठीक, एक्साइट स्टेट में, और एक्साइट स्टेट में आने पर फिर से अपने लोअर स्टेट में जाएगा, जिसके कारण उस एब्जॉर्ब किए गए एनर्जी को फिर से बाहर छोड़ेगा, और बाहर छोड़ेगा तो उसका रंग अलग अलग होता है, और इसी एनर्जी रंग के कारण पूरे क्रिस्टल का रंग देखने को मिलता है। तो यहां पर आप लोग समझ गए कि एनायनिक वैकेंसी कैसे होता है, ठीक,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, उसके बाद उसमें एफ सेंटर क्या होता है, ये सभी बातें हम लोग समझ गए ठीक। अगर फिर भी अगर कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर वहां का डाउट का हम क्लियर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारा डाउट क्लियर होगा। अब जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है दो कारण से राइज होते हैं ठीक। एक तो हम लोग देख लिए एनायनिक वैकेंसीज के कारण, सेकेंड हम लोग देखते हैं सेकेंड क्या है। तो सेकेंड है एक्सेस की टाइम्स ऑक्यूपाइंग इंटरस्टेशियल साइट्स। तो यहां पर देखने को मिलेगा एक्सेस ऑफ केटायंस, यानी कि पिछला बार क्या था एनायंस का वहां पर क्या था मिसिंग हो रहा था ठीक, लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा केटायंस का एक्सेस देखने को मिलेगा, यानी कि केटायंस का होना चाहिए, केटायंस का मात्रा बढ़ जाएगा तब हमें देखने को, तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसमें देखिए क्या होता है, इन दिस केस देयर आर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टेशियल साइट्स, यानी कि जो भी क्रिस्टल रहेगा तो क्रिस्टल के अंदर हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कुछ ना कुछ वहां पर वैकेंसी स्पेस भी होता है ठीक, इंटरस्टेशियल साइट्स होता है, उस इंटरस्टेशियल साइट्स में क्या होगा केटायंस का एक्सेस होगा, यानी कि केटायंस का मात्रा क्या होगा बढ़ जाएगा, तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा केटायन एक्सेस देखने को मिलेगा, और केटायन एक्सेस होने के कारण क्या होगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। और इस समय होता क्या, द इलेक्ट्रॉन्स इन अनदर इंटरस्टेशियल साइट्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहां पर जैसे इंटरस्टेशियल साइट्स में यहां पर केटायंस का मात्रा बढ़ेगा, वैसे ही क्रिस्टल को पूरी तरह से न्यूट्रल करने के लिए उस क्रिस्टल के दूसरे इंटरस्टेशियल साइट्स में वहां पर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा ठीक। तो यहां पर देखिए अब इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं एक्सेस केटायंस में, तो हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं एक इस तरह से ठीक। यहां पर इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए, एक सिंपल सा क्रिस्टल का हमने डायग्राम बना रहे हैं हम। यहां पर पॉजिटिव आयंस इसमें ले लेते हैं, थोड़ा पेन का साइज ठीक। इसमें नेगेटिव आयंस ले लेते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से करके हमने एक नॉर्मल सा क्रिस्टल का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। आप लोग यहां पर ध्यान से देखते जाइए समझते जाइए ठीक। ये हमने एक नॉर्मल सा क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया है। अब इस सभी को एक हाइपोथेटिकल लाइन, ये रियल में लाइन ऐसे होता नहीं है, ये सभी अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण एक दूसरे अपना स्थान पर फिक्स रहते हैं, ऐसे रियल में क्रिस्टल के अंदर लाइंस होते नहीं है, ये सभी हाइपोथेटिकल लाइंस होते हैं ठीक। अब देखिए हमने एक क्रिस्टल बनाया है, अब यहां पर हमें समझना है यहां पर एक्सेस केटायंस कैसे होंगे। तो देखिए एक क्रिस्टल है नॉर्मली, अपने सब लैटिस पॉइंट पर अपने जो भी पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस यानी कि केटायंस एनायंस जो भी अपने लैटिस पॉइंट पे हैं, लेकिन यहां पर देखने को क्या मिलेगा जब हमें एक्सेस केटायंस देखने को मिलेगा तब, तो यहां पर जो ये इंटरस्टेशियल साइट्स है, ये सभी जो इंटरस्टेशियल साइट्स है इसमें केटायंस का एक्सेस होगा ठीक। इसमें क्या होगा केटायंस का एक्सेस होगा ठीक, और केटायंस का एक्सेस होने के कारण क्या होगा, तो अब केटायंस का एक्सेस हुआ ठीक, तो केटायंस का एक्सेस तो हो गया, और केटायंस का एक्सेस होने के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। ये तो हो गया, लेकिन यहां पर जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स देखने को मिला, तो यानी कि जब यहां पर केटायंस एक्सेस हुआ, तो केटायंस का एक्सेस होने के कारण यहां पर जो पूरा क्रिस्टल है वो अब न्यूट्रल नहीं रहा। इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, तो इसके फिर से अलग वाले इंटरस्टिशियल साइट्स में क्या होगा इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो जाएगा, तो अब इसके कारण क्या होगा ये पूरा क्रिस्टल फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब भी किसी क्रिस्टल के अंदर उसके इंटरस्टेशियल साइट्स में बाहर से कोई केटायन आकर ट्रैप हो जाता है, और फिर उसे न्यूट्रल करने के लिए अलग इंटरस्टेशियल साइट्स में इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो जाता है, तो उस स्थिति में जो कंपाउंड के अंदर डिफेक्ट्स उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा एक्सेस ऑफ केटायंस ठीक। और एक्सेस ऑफ केटायंस होने के कारण ये कौन सा डिफेक्ट उत्पन्न होगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ठीक। तो यहां पर हम लोगों ने दो कारण देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स का,
पहला कारण क्या था, एनायनिक वैकेंसीज, यानी कि एनायंस क्या होगा, अपने जो लैटिस पॉइंट है उससे मिसिंग हो जाएगा और उसके स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो जाएगा। और दूसरा क्या है, एक्सेस केटायंस, या बोले तो एक्सेस ऑफ केटायंस, ठीक, यानी कि क्रिस्टल के अंदर केटायंस का नंबर का बढ़ जाना। तो यहां पर क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट्स में केटायंस का नंबर बढ़ेगा, इंटरस्टिशियल साइट्स में कोई केटायन आएगा, ट्रैप हो जाएगा, और उसको उसके कारण जो यहां पर न्यूट्रलिटी भंग हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन आएगा बगल के यहां पर इंटरस्टिशियल साइट्स में और ट्रैप हो जाएगा, और इस तरह से फिर क्रिस्टल क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अब जो डिफेक्ट देखने को मिला, ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर है? तो हम लोगों ने दोनों कारण देख लिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। अब देखिए इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड होता है इसको ये क्या होता है, व्हाइट होता है इन कलर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर देखा जाए तो क्या होता है, कलर में व्हाइट होता है, लेकिन जब इसको हीट किया जाता है, ऑन हीटिंग इट लूजेज ऑक्सीजन रिवर्सिबली एट हाई टेम्परेचर्स एंड टर्न्स येलो इन कलर। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ZNO लूज करेगा, ठीक, लूज करेगा, और लूज करने के कारण क्या होगा, उसमें Zn2+ आयन का एक्सेस होगा, ठीक, और Zn2+ आयन का एक्सेस होने के कारण जो Zn2+ आयन होगा वो ट्रैप हो जाएगा कहां पर, तो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर ट्रैप हो जाएगा, और फिर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप, और जितना Zn2+ यहां पर आयंस ट्रैप होंगे उतने ही संख्या में इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप होंगे, और इस तरह से यहां पर जो उसका इलेक्ट्रिकल, यहां पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो पूरी तरह से मेंटेन रहेगा, उसको बैलेंस कर देगा, ठीक। तो देखिए यहां पर देखते हैं हम लोग क्या होता है, तो जो जिंक ऑक्साइड है इसको जैसे ही गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो यहां पर क्या करता है, Zn2+ आयन बनाएगा, ठीक, और साथ में कुछ यहां पर ऑक्सीजन का आयन यहां पर क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक, इस तरह से लूज करेगा। तो यहां पर देखने को क्या मिलता है, तो अगर मान के चले इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ZNO का, तो यहां पर देखिए आपको देखने को क्या मिलेगा, आप लोग बस ध्यान से समझते जाइए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर मान के चलते Zn2+ है, फिर यहां पर O2-, इस तरह से O- Zn2+ O-, फिर यहां पर O- Zn2+ O-, फिर यहां पर Zn2+, फिर O- Zn2+, यहां पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे O- Zn2+, फिर यहां पर O-, फिर यहां पर Zn2+ O- Zn2+, इस तरह से क्रिस्टल है ZNO का, ठीक, ये क्रिस्टल हमने मान के चला कि ZNO का है, ठीक। तो जैसे जैसे इसको हीट किया जाता है तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, और किस फॉर्म में रहेगा, तो यहां पर जो फॉर्मेशन इसका रहेगा, यहां पर क्या ऑक्सीजन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 2-, यहां पर हर जगह पर 2-, ठीक। तो यहां पर देखिए होता क्या है, जहां भी ऑक्सीजन है वहां पर 2-, ठीक, और यहां पर Zn2+। तो देखिए यहां पर होगा क्या, तो यहां पर जैसे जैसे हीट किया जाता है ZNO को, तो ZNO क्या होगा, टूटेगा, टूट कर Zn आयन बनाएगा और फिर ऑक्सीजन आयन बनाएगा, और ऑक्सीजन आयन क्या होगा, इस क्रिस्टल से बाहर निकलते जाएगा, ठीक, और क्रिस्टल से बाहर निकलते जाएगा, लेकिन जो Zn2+ है ये क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा, और कहां चला जाएगा, तो यहां पर इस जो भी यहां पर इंटरस्टिशियल साइट्स है उसके अंदर आकर ट्रैप हो जाएगा, ठीक। और अब ट्रैप हुआ है तो यहां पर इसका जो न्यूट्रलिटी है वो तो मेंटेन नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आकर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जितना मात्रा में Zn2+ यहां पर ट्रैप होगा उतना ही संख्या में, उतना ही मात्रा में क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर ट्रैप हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यहां पर जैसे जैसे इसको हीट किया जाएगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होगा, क्यों, क्योंकि Zn2+ इंटरस्टिशियल साइट्स में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलते जाएगा, Zn2+ इंटरस्टिशियल साइट्स में जाएगा और इसका
कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो गया रूम टेम्परेचर पे, क्या होता है व्हाइट होता है, लेकिन ये धीरे धीरे कलर चेंज करके किस में बदल जाएगा, तो येल्लो में बदल जाएगा। ठीक, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जब जिंक ऑक्साइड यानी ZnO को जब हीट किया जाता है तो उसमें कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो उसमें हमको मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के कारण उसमें क्या होगा, Zn2 प्लस केटायंस का क्या होगा, एक्सेस होगा, और Zn2 प्लस केटायंस के एक्सेस होने के कारण और O माइनस यानी कि जो ऑक्सीजन आयन उसका यहां पर लूज होने के कारण क्या होगा, ZnO का जो पूरा क्रिस्टल है वो व्हाइट से धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा, येल्लो में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम लोगों ने यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स देख लिया उसके दोनों कारण, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है यहां पर मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट्स, यानी कि मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट क्या है, तो यहां पर इसमें देखने को मिलेगा द निगेटिव आयंस आर इन एक्सेस। जैसे में मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में पॉजिटिव आयंस क्या था, एक्सेस में था, यानी कि उसका अधिकता थी, लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, निगेटिव आयंस अधिकता में रहेगा। ठीक, तो और देज में एराइज ड्यू टू द फॉलोइंग टू वेज, जैसे में मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो कारणों के कारण एराइज हो रहा था, ये भी मेटल डिफियंस इफेक्ट्स डिफेक्ट्स भी दो कारणों के कारण देखने को मिलेगा। पहला केटायंस वैकेंसीज, एकदम जस्ट उसका अपोजिट रहेगा, वहां पर क्या था, एनायनिक वैकेंसीज था, यहां पर केटायंस वैकेंसीज है। ठीक, तो यहां पर देखिए इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव आयंस यानी कि जो केटायन है अपने स्थान से मिसिंग हो जाएंगे, और मिसिंग होने के कारण क्या होगा, यहां पर एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज बैलेंस बाय सम नियर बाय मेटल आयन, और जो यहां पर क्या होगा, जो पूरा क्रिस्टल है वो चार्ज में बदल जाएगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए जहां से यहां पर जो यहां पर पॉजिटिव आयंस मिसिंग हुआ है उसके बगल वाले यानी कि नेबर में जो मेटल आयन रहेगा वो क्या करेगा, एक्वायरिंग टू पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, टू पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और इंस्टीड ऑफ वन यानी कि एक के ऊपर यहां पर दो दो चार्ज आ जाएगा। इसको अभी हम लोग समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, तो यहां पर हम फिर से के स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरह से, तो देखिए इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा, यहां पर हमने क्रिस्टल बनाने का कोशिश किया है, बस यहां पर उद्देश्य आप लोग को समझाना, थोड़ा ड्राइविंग थोड़ा नहीं बहुत हद से ज्यादा गंदा है, तो आप लोग बस समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए यहां पर हमें करना क्या है, तो देखिए यहां पर मान लेते कोई पॉजिटिव आयंस है, यहां पर भी पॉजिटिव आयंस, फिर यहां पर आ जाता है पॉजिटिव आयंस आ जाएगा, फिर यहां पर पॉजिटिव, फिर यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहां पर पॉजिटिव, फिर यहां पर पॉजिटिव, और इसमें हम ले लेते हैं, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ले लेते हैं निगेटिव आयंस। ठीक, इस तरह से, तो आप लोग बस ध्यान दीजिए, समझते जाइए, तो ऐसे करके हमने यहां पर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक, अब देखिए हम लोग को यहां पर समझना क्या है, तो मेटल डिफेंसिव डिफेक्ट को समझना है, और उसमें हमें क्या पहला कारण क्या है, तो केटायंस का वैकेंसीज के कारण। तो यहां पर देखिए होगा क्या, मान गए यहां पर केटायंस यानी कि पॉजिटिव आयंस क्या होगा, अपने लैटिस पॉइंट से यहां पर मिसिंग हो जाएगा, तो मान के चलते हैं यहां पर, तो यहां पर से कोई जो केटायंस है अपने स्थान से क्या हुआ, मिसिंग हो गया है। यहां पर हमें क्या लेके चलना है कि जो केटायंस अपने स्थान से मिसिंग हो गया। ठीक, तो यहां पर मिसिंग हो गया है, तो यहां पर पूरा क्रिस्टल क्या हो गया, पूरा क्रिस्टल तो हम न्यूट्रल नहीं रहा, चार्ज में बदल गया, तो यहां पर क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए इसके बगल का जो भी यहां पर, देखिए यहां पर मिसिंग, एक और गलती हो गया, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर बी माइनस नहीं ए प्लस होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या था, यहां पर केटायंस था, केटायन अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो गया, तो मिसिंग होने पर क्या होगा, ये जो पूरा क्रिस्टल अब चार्ज में बदल गया, न्यूट्रल नहीं रहा, तो इस पूरे क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए इसके अगल बगल जो भी पड़ोसी में केटायंस होंगे यानी कि नेबरहुड में जो भी केटायंस होगा वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक के जगह पर दो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, यानी कि अगर मान के चलते ये वाला जो पॉजिटिव केटायंस है ये क्या करेगा, इसके मिसिंग होने पर इसके ऊपर क्या करेगा, यहां पर
टू प्लस अपने ऊपर क्या करेगा, टू प्लस कर लेगा। पहले क्या था, वन प्लस था, यानी कि केवल वन चार्ज था, लेकिन अब क्या होगा, इस पर टू प्लस चार्ज हो गया। ठीक, अब टू प्लस चार्ज होने के कारण क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ निगेटिव आयंस क्या हो जाएगा, फिर से इक्वल हो जाएगा। और इक्वल होने के कारण पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, तो पूरा क्रिस्टल यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इस तरह से जो भी डिफेक्ट्स देखने को मिला है कि जो केटायंस है अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो गया, मिसिंग होने पर उसके नेबर में जो केटायंस था अपने ऊपर एक के जगह पर दो आयन वहां पर अपने ऊपर चढ़ा लिया, जिसके कारण फिर से पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया। तो इस कारण से जो भी यहां पर डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा वो डिफेक्ट्स क्या कहलाएगा, मेटल डिफेंस डिफेक्ट्स। और ये किसके कारण हुआ है, तो केटायंस वैकेंसीज के कारण हुआ है, यानी कि केटायंस के मिसिंग होने के कारण। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अगर एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज पॉसिबल इन मेटल विच इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये जो मेटल डिफेंसिव डिफेक्ट्स है ये केवल उसी मेटल ऑक्साइड में हमें देखने को मिलेगा जिसमें मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल हो, यानी कि जो चेंज हो जाए। जैसे में हम लोग पढ़े हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसके कुछ वहां पर एलिमेंट्स ऐसे थे उसका जो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट था वो क्या था, वेरिएबल था, यानी कि वो चेंज हो सकता है अवस्था के आधार पर। ठीक, तो अलग अलग स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह जब वैसे ही कोई मेटल के जो यहाँ पर मेटल का यहाँ पर कोई भी ऑक्साइड रहेगा या कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उस स्टेट में क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रहे जो मेटल, तो वैसे मेटल के कंपाउंड में हमें देखने को मिलेगा क्या, मेटल डिफेंस डिफेक्ट। तो आप लोग ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि किसमें किस प्रकार के मेटल के कंपाउंड में हमें मेटल डिफेंस डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वैसे मेटल जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, वेरिएबल हो, यानी कि जो चेंज हो सके, तो वैसे मेटल के कंपाउंड में हमें ये मेटल डिफिशियंट इफेक्ट डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक, बिल्कुल आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, द कॉमन Examples of compound having these defects are ferrous oxide, यानी कि ferrous oxide में देखने को हमें मिलेगा। ferrous का भी क्या होता है, variable होता है। देखिए आप लोग देखेंगे ferrous का कभी 2 plus इस तरह से होता है, कभी Fe3 plus इस तरह से, यहाँ पर इसका change होते रहता है। तो ferrous oxide में हमें देखने को मिलेगा ferrous sulfide, nickel oxide, ये सभी में क्या है, ये example है क्या, किसके, तो metal diffusion defect वाले compound के सब example है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से, एक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण। ये पहला कारण हम लोग देख लिए कि केटायंस के एक्सेस के कारण। दूसरा कारण क्या है, एक्सेस इन आयंस ऑक्यूपाइंग इंटरटेसियल साइट्स, वहां पर केटायंस का वैकेंसीज था पहला कारण। दूसरा कारण क्या, एक्सेस इन आयंस, इसको नॉर्मली हम लोग ऐसे भी बोलते सकते हैं एक्सेस ऑफ इन आयंस। ठीक, और जो क्या करेगा, ऑक्यूपाइंग इंटरस्टेशियल साइट्स, यानी कि जो भी इंटरस्टेशियल साइट्स होगा उसको ऑक्यूपाई करेगा, उसको अधिकृत कर लेगा, छेक लेगा उसको। तो देखिये इस केस में क्या होता है, इन दिस केस The extra ions occupying interstitial position, जो वो भी interstitial sites है, जो भी interstitial position रहेगा कम यहाँ पर crystal के अंदर, उसमें क्या होगा, anions वहाँ पर extra anions देखने को मिलेगा। और the extra negative charge is balanced by some nearby metal ion acquiring two positive charge instead of one. यानी कि सेम उसी तरह जैसे यहां पर क्या होगा कि जो यहां पर एनायंस एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो उसके नियर बाय जो भी यहां पर मेटल रहेगा, मेटल आयन, वो अपने ऊपर एक के जगह पे दो दो यहां पर चार्ज गेन कर लेगा और इस तरह से पूरे क्रिस्टल को न्यूट्रल कर देगा। जैसे में अगर इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें, एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह स्ट्रक्चर बनाकर, तो यहां पर देखिए, यहां पर कुछ इस तरह से क्रिस्टल हमने बना लिया। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमें देखना है, इसमें हमें पॉजिटिव आयंस, इसमें भी पॉजिटिव आयंस, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी आ जाएगा पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, और यहां पर भी आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, और इसमें आ जाएगा निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, 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 इसमें भी निगेटिव एंड इसमें भी निगेटिव। ठीक,
इस तरह से हम लोगों ने एक क्रिस्टल बनाया। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो जो क्रिस्टल है इसके अंदर एनायंस, यानी कि एनायंस का होता है तो निगेटिव एनायंस, निगेटिव चार्ज को एनायंस, यहाँ पर तो एनायंस का होंगे। इसमें जो इसके इंटरस्टेशियल साइट्स हैं इसमें एक्स्ट्रा एनायंस आ जाएंगे, इस तरह से इसमें क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा एनायंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा एनायंस। और इस एक्स्ट्रा एनायंस के कारण क्या होगा, ये जो पूरा क्रिस्टल है अब तो हो गया क्या नेगेटिव चार्ज हो गया इस पूरे क्रिस्टल पर, तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कैसे कैसे होता है, तो इसके अंदर इसको जो भी इसके नियर बाय जो भी यहां पर पॉजिटिव यानी कि मेटल आयंस होगा वो अपने ऊपर क्या करेगा, एक के जगह पर दो दो यहां पर चार्ज गेन करेगा। ठीक, तो इसके लिए मान के चलते ए वाला जो है प्लस वन था तो टू प्लस कर लिया, इसके वाले मान के चलते इसके नेबर में कौन है, तो है ये टू प्लस कर लेगा इस तरह से। ठीक, क्लियर है। तो जैसे जैसे निगेटिव आयंस बढ़ा यानी कि एनायंस बढ़ा, वैसे वैसे उसके बगल वाले मेटल आयंस यानी कि केटायंस क्या किए, अपने ऊपर जो चार्ज था वो एक एक बढ़ाते चले गए। ठीक, तो इसके बगल में था तो ये अपना टू प्लस कर लिया, इसके बगल में था तो ये टू प्लस कर लिया, ये तो क्लियर है। और इस कारण जब भी क्रिस्टल में ऐसा व्यवस्था देखने को मिलेगा यानी कि एक्सेस ऑफ एनायंस, एनायंस का क्या हुआ मात्रा बढ़ गया यानी कि एनायंस का एक्सेस हुआ है, तो जब भी एनायंस का एक्सेस होगा तो हमें कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो मेटल डिफरेंस डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारा क्लियर है मेटल डिफरेंस डिफेक्ट क्या होता है। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक मेटल डिफरेंस डिफेक्ट को समझ लिया। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफरेंस डिफेक्ट, और ये दोनों के दोनों किसके टाइप्स हैं, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड के जो इफेक्ट डिफेक्ट होते हैं उसके टाइप्स है। ठीक, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट रह गया है वो है यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट्स का लास्ट टाइप, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स भी एकदम सिंपल, इसमें देखते हैं क्या होता है। दिस डिफेक्ट्स इन एनी क्रिस्टल, ये भी एनी क्रिस्टल में ही एराइज होता है, एराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी आयन एट द लैटिस साइट्स और एट द वैकेंट इंटरस्टीशियल साइट्स। देखिए इसमें होता क्या है, जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड रहेगा, ठीक, उस कंपाउंड के अंदर वहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी आयंस, यानी कि वहां पर कुछ अशुद्ध, यानी कि पूरा जो क्रिस्टल बने रहेगा उस क्रिस्टल में जितने भी आयंस, वो आयंस नहीं रहेगा, कोई बाहरी आयंस रहेगा। ठीक, तो उसको यहां पर बोला गया इम्प्योरिटी आयंस, यानी कि इम्प्योर आयंस। ठीक, तो वैसे जब कोई बाहरी आयंस उसमें जाएगा लैटिस साइट्स पर, ठीक, या उसके वैकेंट इंटरस्टीशियल साइट्स पर जाएगा, तो उस समय जो भी डिफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इसको भी हम लोग अच्छी तरह से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल, इफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज। यहां पर देखिए, जो सोडियम क्लोराइड उसको मेल्ट किया गया, और मेल्ट करने पर क्या किया गया, उसमें थोड़ा मात्रा में स्ट्रोंटियम क्लोराइड यानी कि SrCl2 मिलाया गया। ठीक, अब इसको मिलाने पर क्या, उसके बाद क्या किया गया, इसको क्रिस्टलाइज कर दिया गया, फिर से क्रिस्टल के रूप में, रावा के रूप में ला दिया गया। अब इसके बाद होता क्या है कि सम ऑफ द साइड्स ऑफ सोडियम आयंस आर ऑक्युपाइड बाय स्ट्रोंटियम आयंस, तो उसके बाद जब वहां पर कुछ मात्रा में SrCl2 मिला देंगे मेल्ट NaCl में, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, तो जो कुछ सोडियम आयंस है उसके जगह को कौन ऑक्युपाइड कर लेगा, तो स्ट्रोंटियम आयंस यानी कि Sr2+ आयंस सोडियम आयंस आयंस के जगह को ऑक्युपाइड कर लेगा। और फॉर ईच स्ट्रोंटियम आयंस यानी कि Sr2+, हर एक Sr2+ आयंस के लिए यहां पर आयंस इंट्रोड्यूस, टू सोडियम आयंस आर रिमूव टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहां पर जो भी रहेगा स्ट्रोंटियम आयंस यानी कि Sr2+ आयन, तो हर एक स्ट्रोंटियम आयंस दो दो यहां पर दो दो सोडियम आयंस को क्या करेगा, वहां पर रिमूव करेगा और उसके प्लेस को ऑक्युपाइड कर लेगा। ठीक, और पूरे क्रिस्टल को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक, ऐसा ही हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है यहाँ पर CdCl2 में और AgCl में। ठीक, ये दोनों में भी जैसे यहाँ पर NaCl के अंदर देखने को मिला, तो ऐसे CdCl2 कैडियम क्लोराइड और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं होता क्या है कि फिर से वैसे ही हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये है। ठीक, इस तरह से यहां पर हम लोगों ने
यहां पर सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन हो गया, सीएल माइनस हो गया, यहां पर सीएल माइनस सीएल माइनस सीएल माइनस सीएल माइनस यानी कि क्लोराइड, और यहां पर भी हमें सोडियम क्लोराइड आयन से देखने को मिलेगा, यहां पर सोडियम प्लस, यहां भी सोडियम प्लस, और यहां पर हमें क्लोराइड आयन देखने को मिलेगा, और यहां पर हमें सोडियम आयन, यहां भी सोडियम आयन, और यहां भी सोडियम आयन। इसको हम सभी हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़ देते हैं कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्रिस्टल के अंदर फोर्स के द्वारा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या करना है, क्या करना है, ये डिफेक्ट एराइज कब होता है। तो NaCl का एक क्रिस्टल है, इसको हम लोगों ने पहले मेल्ट किया, मेल्ट करने पर मेल्ट ही स्ट्रोंटियम क्लोराइड Sa(Cl)2 है उसको इसमें मिक्स किया, और मिक्स करने पर जो मिश्रण तैयार होगा, जो मिक्सर रेडी हुआ, उस पूरे मिक्सचर को हम लोगों ने क्या किया, फिर से क्रिस्टलाइज कर दिया। तो क्रिस्टलाइज करने पर क्या होगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रोंटियम क्लोराइड स्ट्रोंटियम आयंस आ जाएंगे, SR आयंस। यहां पर जो SR, यहां पर आप लोग Sr2+ है, ये आयंस इसके अंदर आ जाएगा। ये क्या करेगा, तो जो यहां पर जैसे ही इसमें आएगा, तो यहां पर क्या करेगा, मान के चलते हैं कि एक स्पेस यहां पर एक सोडियम आयन को क्या किया, यहां से रिमूव किया, और रिमूव करने पर क्या हुआ, यहां पर Sr2+ आ गया। ठीक, यहां पर क्या हुआ, Sr2+ आ गया। ठीक, अब Sr2+ आ गया, तो आप यहां पर देखिए, यहां पर हुआ क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बढ़ गया। ठीक, लेकिन निगेटिव आयंस क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, जो स्ट्रोंटियम आयंस है, एक और यहां पर जो सोडियम आयंस है उसको रिमूव कर देगा। ठीक, तो इसके जो यहां पर देखने को क्या मिलेगा, तो यहां पर हर एक स्ट्रोंटियम आयन यानी कि Sr2+ आयन क्या कर रहा है, कि दो दो सोडियम आयन को रिमूव कर रहा है, और यही हमें देखने को मिलता है कैडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड के मिश्रण में भी। जब कैडियम क्लोराइड यानी कि CdCl2 के अंदर सिल्वर क्लोराइड को ऐड किया जाता है, तो वहां भी हमें यही देखने को मिलता है सेम। ठीक, जैसे NaCl में SrCl2 ऐड करने पर देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोग समझ गए कैसे, तो यहां पर क्या हुआ है कि हर कोई सोडियम और क्लोरीन का एक क्रिस्टल बना हुआ था, लेकिन एक क्या आ गया, एक यहां पर इम्प्योर आयंस आ गया जो कि Sr2+ है, और ये जो डिफेक्ट एराइज हुआ, ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहलाएगा। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर जितने भी डिफेक्ट्स, आज सारे डिफेक्ट्स हम लोगों का क्लियर हो गया। पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर 3 डिफेक्ट्स आए, स्टोकियोमेट्रिक लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया, आज के क्लास में नॉन स्टोकियोमेट्रिक। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में हमें 2 टाइप्स देखने को मिले। देखिए एक बार हम लोग यहां पर रिविजन कर लेते हैं कि जो पॉइंट है, पॉइंट डिफेक्ट्स, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट डिफेक्ट्स है ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार। यहां पर एक था स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इस डिफेक्ट्स में हमें क्या देखने को मिला था, तो इसमें 2 प्रकार के डिफेक्ट्स थे, एक था फ्रेंकल डिफेक्ट्स और एक क्या था, स्कॉट के डिफेक्ट्स। ठीक, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा पॉइंट डिफेक्ट्स का और क्या है, जो कि आज हम लोगों ने देखा है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक, इसमें हम लोगों ने भी, इसमें भी 2 प्रकार होता है इसका भी, एक था क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और एक क्या था, मेटल डिफिशियंट। ठीक, तो यहां पर हमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट्स देखने को मिला था। और तीसरा इसका टाइप्स क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ये सभी इस तरह से थे, तो ये सारे डिफेक्ट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक, और ये लास्ट क्लास में आप लोग जाके देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में ऐड है, और आज का हमारा पूरी तरह से डाउट्स क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर के, और इसी तरह से अपने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा उसको क्लियर करते हुए, पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। साथ में अगर आप लोग अपने एग्जाम का अच्छी से अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग ये और भी आप फायदा उठा सकते हैं, आप लोग हमारे साथ परीक्षापुर ऐप पर जुड़ सकते हैं। ठीक,
इस परीक्षापुर प्ले स्टोर ऐप पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए मोबाइल नंबर के साथ और हमारे साथ जुड़िए। वहां पर आप क्लास अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक। उसके बाद उस किसी भी प्रकार का अगर आपको नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स हो या फिर सब्जेक्ट का नोट्स हो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स हो या टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर रहे हो, वो सभी के सभी वहां पर सुविधा अवेलेबल करवाई गई है। आप वहां पर आकर अच्छी तरह से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो परीक्षापुर ऐप पर आना ना भूले और हमारे वीडियो इसी तरह से लगातार देखते रहिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट कर आप शेयर कर सकते हैं, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए हम रेडी हैं, ठीक। तो फिर से मिलते हैं नए क्लास में, अभी तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।